अरे 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 कौन हो भाई और ये अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? अरे तुमसे कह रही हूँ मैं। अरे भाई मैं आपके खामखा के सवालात का जवाब दे नहीं हूँ, वैसे मुझे बहुत देर हो रही है। ये बताएं हशमत का कमरा कहाँ है? ये रहा। शुक्रिया। हैं? देख भाई वो सामने वाला दरवाजा है, ठीक है? शोर शराबा मत करियो, चुपचाप अपना काम निपटाओ। निकलने वाली कर, कोई जाग गया तो मेरी जवाबदारी नहीं है, जा जल्दी नहा ले। घाट पे घाट, घाट पे घाट। मुजाहिद ये सब क्या हो रहा है? चल माई काम का टाइम है, दिमाग खराब मत कर। हैं? चल माई काम कर, मेरे ही घर में मुझे माई बना दिया तूने। रुकैया खाला इतनी वही सुबह तुम उठ गई, खैरियत तो है? वो मेरे रिश्तेदार है रुकैया खाला। अच्छा तो वो तेरे रिश्तेदार हैं तो तू उनको यहाँ क्यों ले आया? अरे आपा उनके घर में शादी है, एक बूंद पानी नहीं है, मजबूरी में किया जो किया, वरना आपको तो पता है आपा मैं ऐसी आदत का कहा हूँ। ये ले मुजाहिद भाई 100 रुपए। हमाम से रेट थोड़े ज्यादा थे पर शैम्पू साबुन से ना कर मजा आ गया, अब दुख नहीं हो रहा, 100 रुपए देते है। ठीक है ठीक है भाई ठीक है, अपनी खुशी से दिए, खुशी ये आप रख ले, आप रख ले आपा। हाँ किसी को भी नहीं बताऊंगी। सही, थैंक यू आपा, थैंक यू। थैंक यू किस बात का? बकाया पैसे भी निकाल जेब से। बकाया क्या मतलब आपा? मुजाहिद मेरे साथ ज्यादा होशियारी नहीं करना, अभी हशु को उठा दूंगी तो सारी 2 नंबरियां तेरी धरी की धरी रह जाएंगी, फसलियां तक तोड़ देंगे वो तेरी। नहीं नहीं आपा, उसके अलावा ये खाली 1 नोट जमा हुआ था इतने लोगों से। अब तू बेफिक्र हो जा, इसका जिक्र मैं किसी से भी नहीं करूंगी। सही है ठीक है। और भागते दौड़ते ना हशु के उठने से पहले 200 वाले और पकड़ना। पानी मांगा था ये तो बोल रही है। जिसे यहाँ पे नस्वार बिक रही है, 200 वाले 2 और पकड़ ले, जो जमा पूंजी थी वो भी ले गई। मैं तो समझा सिर्फ हशमत यहाँ का शातिर है, मगर इसके घर का एक एक फर्ज शातिर इंसान है। एक बार चली आओ फिर आके। अरे हशु आपने पानी मांगा था ना? मैंने तुमसे जब पानी मांगा था ना उस वक्त मुझे प्यास लग रही थी। और आप? अब मैं बाथरूम जा रहा हूँ। तो बाथरूम जाने से पहले पी ले। अरे भाई जब नहीं पीना पानी, हटो बीच से, हटो। क्या हो गया पानी पी ले? तुम मेरे बाथरूम में क्या कर रहे थे? नहा रहा था। मार क्यों रहे हो? क्योंकि तुम मेरे बाथरूम में क्या कर रहे थे? बताया तो है नहा रहा था। बुलबुले चल रहा है यहाँ पे। भाई मार क्यों रहे हो ये? इसलिए कि तुम मेरे बाथरूम में क्या कर रहे थे? अभी बताया तो है कि नहा रहा था। फिर वही जवाब, मैं फिर वही सवाल करूंगा या फिर वही जवाब देगा, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे हशु मत मारे, मर जाएगा। भैया मैं यहाँ सो रहा था, ये बाथरूम में था और तुम मुझे बाथरूम जाने से रोक रही। रुकैया चल क्या रहा है मुझे क्लियर बता दो रुकैया, मेरा दिमाग घूम रहा। रुकैया नहीं नहीं नहीं, मैं दानिश की तरह दरवाजे पे नहीं बनना चाहता। अरे सुन, मैं नहीं सुन सकता। मैं बताओ इस्लामाबाद गई थी? अल्लाह ये क्या क्या सोच रहा है, गई तो थी शादी में। अच्छा अच्छा है कौन ये? इसे मुजाहिद ने क्या, आपको सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे अंकल आप लोगों का हो गया तो मुझे तो फारिग कर दें। आओ आओ आपको फारिग करते हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी बकवास कर रही है। ओ ये हशियो भी ना, वैसे जवान लड़कियों पे शक करने की आदत ये मर्दों की जाएगी नहीं। सोना न चांदी न कोई महल जाने। भाई मेरे 100 रुपए निकाल यार। कौवा कोई जाग गया क्या? छोड़ यार पैसे भी। अब बता के तो जा। अच्छा बात सुन, बाहर जो खड़ा हुआ उसको अंदर भेज दियो। सलाम है तुम्हारी जुर्रत को, तुम्हें क्या लगा हशमत के कहर से तुम्हें कौन बचाएगा? क्या हेलो बताओ, हेलो 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 हशमत भाई बताता हूँ। अंकल खुदा का खौफ नहीं है आपको? ये तो उम्र का लिहाज है जो मेरे लब सी देता है, वरना मैं आपको इस कदर शर्मिंदा करता ना कि सो जाए आंटी। आखिर आप लोग चाहते क्या है? अरे मेरे बाथरूम में कोई है, मेरे बाथरूम में कोई है। अरे बेबी वो तो आप ही थी ना? नहीं नहीं मेरे अलावा कोई और है। क्या कौन है, कौन है? क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? चप्पल तो है मेरे। लानत तुम्हारे ऊपर, हम समझे मारने के लिए कुछ ढूंढ रहा है, चप्पल ढूंढ रहा है। हाँ मुजाहिद भाई गुस्ल के लिए कहाँ लेके जाना है? भाई सामने वाला वॉशरूम बड़ा है, हशमत भाई का, वहाँ ले जाओ। अरे अब्बा किस तरह गुस्ल लेंगे इसको, अब्बा को तो खुद गुस्ल करना नहीं आता। इधर आओ तुम, इधर आओ, बाप के बारे में बकवास कर। अल्लाह अल्लाह समझ नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है। मैयत नीचे रखो, मैयत नीचे रखो। खबरदार, अगर किसी ने मैयत नीचे रखी मैं कहती हूँ बाहर लेके जाए, लेके जाए। कैसे लेके जाए?
पैसे दिए हैं, एडवांस दिया है मुजाहिद भाई को। पापा आपको शर्म आनी चाहिए, आप पैसों की खातिर इतना गिर जाएंगे। अरे इस बार मेरा कोई कसूर नहीं है, खुदा की कसम ये सब तो मुजाहिद का क्या करा। सच बता किसने किया? मैंने नहीं किया, ये तो रुकैया खालो ने किया। अरे क्यों इल्जाम लगा रहा है मुझ बुढ़िया पे बिला वजह? हां रुकैया अभी कमरे के अंदर तो तुम खूबसूरत लड़की थी, बाहर आते ही बुढ़िया हो गई। बहुत तेज हो भाई तुम, बहुत तेज हो। शर्म आनी चाहिए भाई, एक मासूम औरत पर इतना गिदावना इल्जाम लगाते हुए। ओ बावली बगलोल के माड़ी के शाहरुख खान, जा देख ले उसके पल्लू के अंदर पैसे बंधे हुए, सब कुछ यही कर रही है, सारा पैसा इसके पास है। दिखा इधर, दिखा इधर अपना पल्लू, दिखा इधर, दिखाओ इधर, दिखाओ रुकैया, खोलो इसे, कैसे खुलेगा ये क्या है रुकैया, क्या ये सब, ये सब क्या है रुकैया? अरे मुझे इसने फंसाया, मैं तो सिर्फ पानी पीने आई थी। भैया मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ आके ये समझ ना सकूं, मुजाहिद तुम्हारे दुपट्टे में पैसे बांध रहा था, तुम्हें पता ही नहीं चला। मैं आपको बताने वाली थी। बस रुकैया बस, तुम्हारा ये कहना कि मैं बताने वाली थी तुम्हारा इकबाल जुर्म है, और अब जब रुकैया ने जुर्म का इकरार कर लिया है तो मैयत तो गुस्ल की चली गई। हशीम मैं तो आपको बताने वाली थी, आप कहानी कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं रुकैया नहीं, आना कहानी करने की जरूरत नहीं है। बहसियत शोर मैं तुम्हारे साथ आखिर तक खड़ा हूँ, लेकिन बहसियत मुजरिम तुम इस वक्त कटहरे में खड़ी हो। हाँ, और क्या हो गया, ये क्या बात हुई? ये लोग जा रहे हैं, मैयत को गुसल कौन देगा? वो खुद कर लेगा गुसल। क्या बात कर रहे हो, मैयत खुद गुसल कर लेगी? अरे उसको इमरजेंसी थी, बाहर लाइन लगी हुई थी, वो मैयत बन के आया नाने। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, गैंग चल रहा है यहाँ पर। क्या करे अस्मत भाई, बस बस दो पैसे भी तो कमा रहे ना। ओफो, चिड़िया घर बना रखा है मेरा घर, फिर चल अंदर। एक तमाशा खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। शुक्र है, शुक्र है, कोई भी नहीं था बाथरूम में, कोई भी नहीं था। अच्छा चलो, बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे मेरे ऊपर मासूम औरत पे। तुम जरा बाहर आओ, आओ आओ बाहर, वो लाइन लगी हुई है। लाइन तो लगाते ही करा, वो इतने आइडियाज आ रहे हमें नहीं पता। में तो इंटरनेट भी नहीं चल रहा, कनेक्ट होता है फिर डिसकनेक्ट हो जाता। भाई बेगम मोटर चलवा दे, पानी नहीं आ रहा है। सुल्तान मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब हो रहा है, मजीद खराब करने की जरूरत नहीं है। मोटर चलाने से दिमाग की खराबी का क्या ताल्लुक हुआ बेगम? बैठे रहे चुपचाप अंदर। बाजी 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 घर में पानी नहीं आ रहा है। कमाल है, मेरे पास सब ऐसे आ रहे हैं जैसे मैं सारा पानी पी गई। अपने इस घुन्ने से कहो ना जाके मोटर चला दे। बाजी मसला मोटर का नहीं, मसला पानी का है। मतलब? मतलब ये कि टैंक में पानी खत्म हो गया है। क्या? अरे अरे अरे, ये तो सुल्तान भाई की आवाज है। कहाँ है वो? मेरा दिल कह रहा है कि वो किसी तकलीफ में है। तकलीफ में नहीं, वॉशरूम में। अरे यार यहाँ टॉयलेट पेपर भी नहीं है, पानी भी नहीं है, मैं बाहर कैसे आऊंगा भाई? जी सुल्तान भाई आप भी ना चलो बहरोज। अरे बहरोज बहरोज। जी सुल्तान भाई, जी सुल्तान भाई। अरे यार मुझे थोड़ा सा पानी ला दो यार प्लीज। सुल्तान भाई मैं भी यही कहने आया था, पानी नहीं आ रहा, कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। अरे यार मैं कह रहा हूँ किचन से ही ला दो यार, थोड़ा सा पानी ला दो यार प्लीज यार, तुम्हारी मेहरबानी होगी भाई। ठंडा लाओ, गरम लाओ। अबे ठंडा गरम क्या भाई, कोई सा भी पानी ले आओ, मैं यहाँ मुश्किल में हूँ यार, प्लीज जल्दी ले आओ यार। आई विल ट्राई। जल्दी ले आओ यार, कब लाओगे भाई? सब मुझे कसूरवार डरा रहे हैं, हालांकि आप यकीन करें मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। बंद करो ये तस्वीर बहाना, झूठी औरत, तुमने मुझे चीट किया, यू ट्राई टू चीट मी, यू गोल्ड डिगर, सस्ती औरत है क्या है? फिरोज अब ऑफिस कैसे जाएंगे? बेटा ये तो चॉइस है, या तो रिक्शा कर ले या कैब में चला जाए। पापा आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि किरण क्या कह रही है, आप बात को मत पलटे। नहीं बेटा मैं समझ नहीं पा रहा किरण बिटिया क्या कहना चाह रही है। मुझे बेटी शेटी कहना बंद करें और शराफत से टैंकर डलवाए बस। इतनी सी बात थी, तुम खामखा नाराज हो रही हो। आलाओ फिरोज बेटा 6,000 रुपए दो, मैं यूं जाता हूं टैंकर ले आता हूं। फिरोज के पैसे देंगे आप उनसे पैसे ले जिनकी वजह से पानी खत्म हुआ है। अरे किरण मैं बेकसूर हूं, मेरे पास इतने कहाँ आए पैसे? मैं कुछ नहीं जानती, आप टैंकर के पैसे हशमत अंकल को दे। रोज अपनी बीवी का पल्लू पकड़ के बैठा हुआ, चुप करा इसे। नहीं 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 किरण बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं किरण के साथ। खड़े हो जरा, खड़े हो खड़े हो, तुम्हारी ऐसी हशमत अंकल वरना आप पे FIR कटवा दूंगी। FIR की बात कहाँ से आ गई, ये तो घर का मामला है, बिल्कुल वाइल्ड हो जाती तुम तो। बेटा कहीं लगी तो नहीं? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पेट में कौन सी हड्डी होती है, अभी सब जगह पे आ जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बेटा दे दो पैसे, ये बुढ़िया कहाँ से लेकर आएगी पैसे? और रुकैया खाला मुझे ये बताया जाए कि आपने मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाली है? सब बताएंगे, पहले टैंकर के पैसे दे दो, पानी खत्म हो गया, फिरोज ने अपने हिस्से के दे दिए, तुम्हारे रह गए। आपको पता भी है सुल्तान के साथ हुआ क्या है? क्या हुआ है? अरे इन्हें बताने की क्या जरूरत है, ये बताएं अश्वत अंकल पैसे कितने चाहिए, जल्दी से जाएं और टैंकर लेकर आएं। 6,000? क्या बात कर रहे पापा, 6,000 मतलब 6,000 मैं दूंगा, 6,000 वो 12,000 का कौन सा टैंकर आता है? तुम्हारा पेट का दर्द ठीक हो गया है? अब 12,000 में बड़ा टैंकर, सबसे बड़ा वाला टैंकर, हमारी फैमिली बढ़िया ना इसलिए बड़ा टैंकर लाना पड़ता। सुल्तान को देंगे पैसे क्योंकि बात तुम्हारी माँ पर आई है।
तुम्हारी माँ की वजह से मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया। बाहर निकलते लोग दस दस सवाल करते हैं, आप रुकैया के शोर, हमें शर्म आ जाती है, मुंह छुपा के गुजरते हैं हम लोग। अरे अश्वत अंकल खामोश हो जाइए, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, मगर रुकैया खाला के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे आप। 6000 रुपए, 6000 रुपए टैंकर, ये लीजिए 6000 रुपए और जाइए जल्दी से टैंकर लेकर आए। वैसे भाई एक बात है सच्ची बताऊं, रुकैया बहुत लालची औरत है। अश्वत अंकल आप रुकैया खाला के खिलाफ, मैंने कहा ना एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे, कोई बुराई नहीं करेंगे आप। ये ले आप 2000 रुपए और रख ले भाई। हाँ बेटा बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन ना इसमें हवस बहुत है, एक बर्गर खा लेती है दूसरा मांगती है। अश्वत अंकल अब आपने अगर एक लफ्ज भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये 500 रुपए और रख ले आप। बस करें सुल्तान, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, बनते जा रहे हैं, चले मेरे साथ। जी बेगम। सुल्तान मुझे अकेले में मिलना, रुकैया की 3-4 बुराइयां रह गई, मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। हशु, ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। चलो फिरोज। जी बेगम। इधर रुको तुम जरा फिरोज, बच्चे खड़े हो खड़े हो जरा, खड़े बीवी के खेलो ला ले खुन्ने ये ला ला जनमुरी के ला ला निकालो जेब से पैसे। अरे मेरे पास नहीं है बाबा। निकालो वॉलेट वॉलेट का। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। हां तुम ओयो 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 अब्बा ना नीचे का टैंक तो फुल है। हाँ फुल है, मुझे पता है, मैंने जान के मोटर नहीं चलाई। क्या बड़ी कोई घटिया हरकत करी यार अब्बा। ये घटिया हरकत करी ना इसी वजह से टैंकर के पैसे हमारे आए। तुम क्यों मार रहे हो हमारी औलाद को साले? तुमने तो बोला मारो। अरे हमने बेध्यानी में बोल दिया तो तुम मारोगे क्या? और तुम ये बताओ तुमने क्या सोच के मुझे कटाया? तुम्हें क्या लगा अश्वत को कानो कान खबर नहीं होगी? अच्छा हाँ तो ये बता तूने अब्बा को कटा के रुकैया खाला को क्यों शामिल करा? अरे रुकैया बेचारी तो बेकसूर है, इसने लालच देके उसे फंसाया है। इस आस्तीन के नेवले का सारे पैसे खुद हड़पने का प्लान था। क्या हो गया अश्वत भाई, वैसे भी सारे पैसे तो आपके पास ही आ गए यार। बेटा वो तो आने थे। शेरी तुम एक काम करो, 10 मिनट के लिए मोटर चलाओ और बंद कर दो, और मुझे तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? तुम्हारी बारात है। अबे चल। अरे अब्बा 10 मिनट तो बहुत कम हो जाएंगे। जितना कहा है बेटा उतना कर लो। अरे अब्बा 10 से 11 मिनट में ना तो मुझे नहाने में लग जाते। मैंने ये तफसील पूछी नहीं कि आपको नहाने में कितना टाइम लगता है। आप शैम्पू लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, या शावर जल यूज करते हैं, या सादा नहा लेते हैं? शैम्पू शैम्पू हम पूछ नहीं रहे, बताए जा रहे हैं। बच्चे जाओ आगे मोटर चलाओ, तुम चलो मेरे साथ आराम से। तो चलो अश्मत भाई। हजरत एक जरूरी ऐलान समाज फरमाइए, एक बच्चा जो के ओ मेरा मतलब है पानी का टैंकर डलवा दिया जा चुका है। जिसको भी रुकैया खाला की वजह से पानी से महरूमी का सामना करना पड़ा है उससे माजत खां है। सबसे पहले मैं वॉशरूम जाऊंगा क्योंकि मेरे कुछ काम अधूरे रह गए थे। नहीं 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 मुझे ऑफिस से जरूरी है, मैं जाऊंगा, पानी कम इस्तेमाल करना। पानी सब एहतियात से इस्तेमाल करेंगे, हमारे घर में खड़े होके हमें हुक्म दे रही हो, हम जितना चाहे इस्तेमाल करें। तुम कौन होती हो हमें बताने वाली? ओ हेलो, मैंने सिर्फ तुमसे नहीं कहा, सारे घर वालों से कहा, और अपने घर की धौंस जमाने की जरूरत तुमको है नहीं। तुम्हें मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, समझे? अम्मा ये आपकी वजह से मुझे बातें सुना रही है। अरे मेरे हशु ने पानी का टैंक डलवा दिया है, लिहाजा मेरे तो मुंह लगना नहीं, बताई दे रही हूँ मैं। बीबी इन लोगों को आपस में लड़ने दो, चलो चलो इससे पहले पानी खत्म हो जाए हम चलते हैं। अरे एक मिनट शेरी, सच सच बताओ तुमने पानी का टैंकर डलवाया है या गधा गाड़ी? अरे भाई टैंकर ही डलवाया, क्या हो गया? कितने का डलवाया है हिसाब दो मुझे। नहीं नहीं मालकिन बनी है शेरी, हिसाब किताब दे दो वरना क्या घर से निकाल देंगी। हाँ निकाल दूंगी क्योंकि ये मेरा घर है और यहाँ भी हुक्म मेरा चलता है। अरे बेगम पानी खत्म हो गया, क्या मुसीबत है भाई। बेगम पानी नहीं आ रहा, नाक के लिए कुछ करे। बचा लो बचा लो, मेरी बेबी को बचा लो, बचा लो प्लीज। उसकी आंखों में अंगूर या आंखों में साबुन चला गया, वो दर्द से बिलख रही है, तड़प रही है। मैं आप लोगों से भीख मांगता हूँ उसकी जिंदगी के रेम करे, बचा लो। शेरी कहाँ गया? भाग गया। बेबी को बचा लो बचा लो। अरे रुक गए कहाँ गए, मेरी बेबी का क्या होगा? मैं बचाऊंगा बेबी को, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो टैंकर आपका है? नहीं। क्या है आपका? मेरी गधा गाड़ी है। मैंने तुमसे कहा था पानी का टैंकर लेकर आओ, तुम गधा गाड़ी वाला ले आए। कोई बात तो सुनो, जैसे आप पानी चोरी कर रहे हो वैसे ये टैंकर चोरी करके बेचता है यार। चोरीदार है चोरीदार, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। खैर भाई ये बताए आपको पानी हाइड्रेंट से कितने का पड़ता है? 5000 का। हम आपको 2000 में पूरा टैंकर भरवा देंगे। क्या नहीं। कितने फिर? 1500। क्या क्या चले 1500 ही देते, आप 1500 देते पहले पानी। अरे भाई ये बंदा है ना आपके साथ गारंटी के तौर पे, चाहिए तो आपको पानी भरवा के देगा। आप पैसे एडवांस दे दें प्लीज। एक मिनट स्टाइल पूरा भाई का। भाई शनाख्ती कार्ड रखवा देते, मुझे रखवा रही हूँ। अरे शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो जाता है, जिंदा बंदा इनके पास रहेगा, भाई की तसल्ली रहेगी। जब तक पानी नहीं भरेगा इसको अपने साथ रखिएगा, ठीक है? मुझे डर लग रहा है। अरे शक्ल से डरावने लग रहे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, मुझे नजर आ रही है इनकी नियत। अजमत भाई खींच रहे हैं, देखो अजमत भाई। अरे कुछ नहीं होता मेरा बेटा, चलो 1500 तो आए।
अरे भाई इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे जो अब्बा ने बोला वो मैंने करा। फिरोज तुमने तो कहा था कि टैंक में पानी नहीं है और शेरी कह रहा है कि टैंक में पानी है, बताओ झूठ कौन बोल रहा है? वाह भाई वाह शेरी बेटा, आज तो घर में पहली बार मेहमाने खुसूसी वाली फीलिंग है भाई, मालिश हो रही है, हाथ पैर दबाए जा रहे हैं। हाथ पैर नहीं दबा रहे, हाथ पैर नहीं दबा रहे, पकड़ के रखा हमने। क्यों आपको नहीं पता, आपको नहीं पता शेरी भाई की वजह से मेरी बेबी की आंखों ने जहन्नुम का अजाब झेला है, कुछ अंदाजा भी आप लोगों को नहीं? और जिस अजाब में मैं मुब्तिला था उसका तो तस्करा भी नहीं कर सकते, मेरी आंखें अब तक जल रही हैं। अरे ऐसा क्या कर दिया शेरी बेटा ने? अरे अब्बा आपने ही तो बोला था 10 मिनट जाके मोटर चला दो, मैंने वही करा, ये लोग सब मुझे मारने और गालियां दे रहे हैं। बकवास कर रहा है, मैंने कब कहा था कि 10 मिनट मोटर चलाओ, मैंने कहा था कि जितना पानी है सब चला दो। क्या बात कर रहे हैं पापा, अभी तो शेरी ने बोला है कि टैंक में पानी था। अरे भाई तुमने जब जाके देखा तो पानी था? नहीं तो मान लो कि शेरी का दिमागी तवाजुन खराब हो चुका है शादी ना होने की वजह से, साइको हो गया ये, और तुम लोगों ने इसकी बात पे इतबार कर लिया। आइए बताओ कि सारा पानी खत्म कर दिया। कौन सा सारा पानी? अरे भाई टैंकर का। अरे क्या बात कर रहे हैं अश्वत अंकल, वो पानी तो शुरू होते ही खत्म हो गया था। क्या वो डबल टैंकर था? और नहीं तो क्या, लेकिन इससे ज्यादा पानी तो घटा गाड़ी में आता है। तुम्हें कैसे पता, तुम क्या पहले घटा गाड़ी चलाती थी? भैया चुप करा लो अपनी बेटी को, बिला वजह मेरा दिमाग खराब कर रही है। अरे लड़कियों कैची की तरह कचर कचर जबान मत चलाओ, तुम्हारे बाप को देखो इतनी मुश्किल से गया टैंकर लेकर आया, पानी डलवाया इतनी गर्मी में, और तुम लोग को एहसास नहीं है इतना बड़ा टैंकर था तुम लोग ने मिनटों में खत्म कर दिया, इसमें इनका क्या कसूर है? थैंक यू भैया थैंक यू। अरे अश्यु आप मेरे बारे में कुछ भी सोचे, अपने दिल में कुछ भी सोचे, मगर मेरा दिल हमेशा आपके लिए साफ रहता है। अच्छा अच्छा बस बस बिलावाचा लंबी कर रही है। मैं खूब जानती हूँ आप एक नंबर के फ्रॉड हैं, एक नंबर के फ्रॉड, आपके शर से बचकर हम यहाँ हैं, और आप फिरोज बेटा एक मिनट के लिए इधर आएंगे आप? अरे मैं वहाँ आ जाऊंगा, मुझे बिल्कुल भी कोई खौफ नहीं है, किरण बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक। मेरा कसूर क्या, मुझे ये तो बता। तुम्हारा कसूर तुम्हारी बीवी की लंबी जबान है, अब निकालो 6,000 रुपए ताकि मैं टैंकर लेकर आऊं एक और। हरगिज नहीं, आपको जहमत करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग खुद कर लेंगे। जाओ भाई लेकर आओ खुद ही। फिरोज जाके टैंकर लेकर आओ। अच्छा जाओ अब जाओ। अच्छा अच्छा आप लोग मेरी बात सुने, आपके पास अर्के गुलाब होगा? किसकी है? अरे पापा मेरी बेबी की आंखों में आग लगी हुई है, छिड़काव करूंगा छिड़काव। जाके उसे मजारे काई पे बिठा दो, वहां फुहारा लगाओ, गिरेगा पानी ठीक हो जाएगी, दफा यहां से। बेबी 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 आप एक में कोई बात रुकती ही नहीं है, टैंक में पानी था, खड़े हो टैंक में पानी था। हाँ। ये पानी इनको पता नहीं क्या जरूरत है के बच्चे। मुजाहिद कब आएगा टैंकर वाला? यार काफी देर हो गई, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अरे भाई रास्ते में ही होगा, आ गया होगा, सबर तो कर जाओ, थोड़ा सा दूर पैसे निकालो पहले। आ गया होगा तो मुझे नजर आ जाता, मुझे तो अब तक कोई भी नजर नहीं आ रहा, ये ले पैसे पूरे पैसे यार, कहाँ रह गया यार? हाँ भाई इसके डलवाना है पानी हमारे यहाँ पैसे ये रे भाई। वाह भाई वाह, सुबह हमें 1500 रुपए का पानी बेचा और अभी हमसे 5,000 का खरीद लिया। क्या किसने बेचा पानी? इसने और इसके साथ जो चाचा थे उसने। अरे हमारे घर वाले तो है ही चीटर और फ्रॉडी है, तुम भी फ्रॉड करते फिर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जबान को लगाम दे अपनी। कैसे जबान को लगाम दे, चोरियां आप करे, फ्रॉड आप करे, दो नंबरियां आप करे, और नेकी का दर्श भी आप हमें दे, शर्म आपको आनी चाहिए। अच्छा मुझे सिखलाएगा? इसे मत मारे। जा जा अब आ क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? चलो भाई नहीं मारो, अश्वत का परिवार है ये। इधर आ भाई। हाँ मुझे कुछ कह रहे आपको पता है मेरी जिंदगी का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, देखिए ना बेबी की आंखों से जलन खत्म नहीं हो रही, मैं क्या करूं? मुझे क्या पता क्या होगा। हाँ आ गए। अरे ये मुझे कहाँ से आया आपके साथ? अरे अश्यू ये तो अभी गए थे, अभी वापस आ गए। आपके कर्मों की सजा काट रहे हैं अश्मत अंकल। इस बार आपको नहीं छोड़ूंगा पापा, मैं आईजी साहब को खुद बुलवाऊंगा। फिरोज ये तुम्हारा हाल किसने किया बताओ? अरे सुल्तान कुछ तो बताएं अंकल, हुआ क्या है? ये बताएंगे ना अश्वत अंकल, खुद बताएंगे ये। क्या बताएंगे, क्या पूछे मुझसे? अरे यही कि टैंक में तो पानी पहले से ही मौजूद था, वो पानी आपने टैंकर वाले को बेचा, फिर आपने हमसे पैसे लिए और टैंकर फिर भी नहीं डलवाया। ये बकवास किसने किया तुम लोगों से? मुजाहिद ने। झूठ बोल रहे हैं, मुजाहिद एक नंबर का मवाली है ये। अरे नहीं नहीं अब्बा आप भूल गए, मुजाहिद ठीक कह रहे, आप ही ने तो सुबह टैंकर बेचा था। अब दिमाग खराब है तुम्हारा, मैंने कब बेचा था? अच्छा मुजाहिद झूठ बोल रहा है तो वो टैंकर वाला भी झूठ बोल रहा है, हम अभी उसी के पास से आ रहे हैं, उसने हमें बताया है कि अश्वत अंकल ने हमें पानी बेचा था। मुजाहिद पूरे शहर में एक ही टैंकर वाला मिला तुम्हें, अब बोलते क्यों नहीं हो? क्या गुंगा है क्या? अरे भाई मेरा कमीशन ही उससे बंधा हुआ था,
ये क्या? मुजाहिद ने अपने कमीशन की वजह से ये सारा प्लान बनाया। मुझे आके पहले इसने बोला अश्मित भाई हम टैंक का पानी बेचते, फिर कह रहा है कि अपनी औलाद से डबल टैंकर के पैसे ले लो। इस तरह मुझे भड़का रहा था आप लोगों के खिलाफ। ये नहीं 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 पापा, इस बार आप झूठ बोल रहे हैं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे पापा। नहीं, आप लोग मेरी बात समझ नहीं रहे बेटा, बात नहीं समझे। मुझे ब्लैक बेल्ट आती है कराटे, आते मुझे। वो देखो वो कौन है, तुम्हारी है। अरे भाग जा।